भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 18 सितंबर को उदयपुर प्रवास पर रहेंगे। उदयपुर में शाह बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं और शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं में जोश भरकर संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। इधर 20 तारीख को राहुल गांधी भी उदयपुर संभाग के डूंगरपुर जिले में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। दोनों ही पार्टियां आगामी विधानसभा चुनावों में आदिवासियों को लुभाने की कोशिश में जुट चुकी हैं, लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया अमित शाह के इस दौरे को लेकर भीड़ जुटाना नहीं मानते। वहीं विभिन्न मुद्दों को लेकर गृह मंत्री कटारिया से खास बात की हमारे संवाददाता रवि मल्होत्रा ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 18 सितंबर को उदयपुर पहुंचने वाले हैं और उदयपुर में वो कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। क्या कुछ खास होगा उदयपुर में उनकी इन सभाओं को लेकर, उनके आयोजनों को लेकर, उसके लिए हम बात करेंगे। उदयपुर में आज हमारे साथ में हैं गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया, उनसे पूछेंगे क्या कुछ उनके दौरे के अंदर क्या कार्यक्रम रहेंगे और बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे। देखिए, अमित शाह जी का जो कार्यक्रम 18 तारीख को उदयपुर संभाग का मिला, जिसमें 6 जिले हैं, उनका फोकस हमेशा रहता है कि संगठन को ताकत मिले, वो है हमारा पोलिंग। और इसलिए पोलिंग तक हमारा वर्कर कैसे चार्ज होकर के काम में लगे, और इसलिए दो कार्यक्रम बड़े रूप में हैं। पहला कार्यक्रम तो ये है कि शक्ति केंद्र का मतलब हमारे यहाँ शक्ति केंद्र बनाते हैं, पंचायत शक्ति केंद्र है और नगर पालिका का वार्ड शक्ति केंद्र। इनके सारे कार्यकर्ता और इसके ऊपर के जो पदाधिकारी हैं, मंडल के हैं, जिले के हैं, मोर्चों के हैं, वो लोग इस कार्यक्रम में रहेंगे। वो नामजद रहेंगे, विथ आइडेंटिटी रहेंगे, कार्ड के रात रहेंगे, जो संख्या आनी है वो फिक्स है, उसमें से कुछ आएंगे कुछ एब्सेंट रहेंगे तो भी पता लग जाएगा कि इसमें 20% एब्सेंट है, 15% है, 30% है, तो जो कुछ है वो नामजद लोग ही उस कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगे, वो हमारा कृषि मंडी में होगा। इसके बाद हमने उनसे लाभ लेने के लिए, हमारी जो है इस संभाग में 28 विधानसभा में से 16 विधानसभा वो ट्राइबल विधानसभा है, उस ट्राइबल विधानसभा के कार्यकर्ताओं को भी एक उत्साह मिले, इसलिए हमने वहाँ प्रत्येक पोलिंग को आधार बनाया। 2 लोकसभा सीधी की सीधी हमारी ट्राइबल की है, बांसवाड़ा की है और हमारी सलूम्बर है। इन दोनों में मिलाएं तो लगभग 4000 पोलिंग स्टेशन बनते हैं। इन 4000 पोलिंग स्टेशन में से 1 कार्यकर्ता, 2 कार्यकर्ता, 3 कार्यकर्ता जरूर आएँ, इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ये कोई सारी पब्लिक के लिए कार्यक्रम नहीं है, कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है या कोई सामान्य जनता आकर के कोई भाषण सुनने की मीटिंग नहीं है, ये उन पोलिंग तक पार्टी को मजबूत करने के लिए, ट्राइबल क्षेत्र में ट्राइबल को और बाकी सारे संभाग में जो संगठन का काम कर रहे हैं, जनरल में भी हैं उनको, और 12 विधानसभा हमारी ऐसी जो ट्राइबल विधानसभा तो नहीं है, जनरल है, जैसे मेरी उदयपुर जनरल है, लेकिन मेरे यहाँ भी कम से कम भी 20,000 वोटर ट्राइबल वोटर हैं। बीजेपी ने भीड़ को इकट्ठा करना इसमें फोकस नहीं रखा है, उन्होंने रखा कि पोलिंग स्तर पर जो कितने कार्यकर्ता हैं, जो शक्ति केंद्रों पर कार्यकर्ता हैं, वो मजबूत होने चाहिए। हालांकि 20 को राहुल गांधी भी डूंगरपुर में सभा करने वाले हैं। देखने वाली बात यह कि उदयपुर में इस वक्त 28 में से 25 विधानसभाएं बीजेपी के पास में और ट्राइबल पर इस बार पूरा फोकस किया जा रहा है, लेकिन ये विधानसभा चुनाव ही इसका जो निष्कर्ष निकालेंगे कि आने वाले वक्त में जो ट्राइबल है, जो आदिवासी एरिया है, वो बीजेपी के साथ है या कांग्रेस के साथ। कैमरामैन अभिषेक के साथ।